कोतवाली थाना अंतर्गत बड़ा फुआरा क्षेत्र में थाने में पदस्थ एक आरक्षक ने एक युवक से सरेराह वाद विवाद करते हुए जमकर डंडे बरसाए। घटना के बाद आरक्षक ने युवक को धमकी भरे अंदाज से कहा कि अगर शिकायत की तो आगे का अंजाम और भी बुरा होगा। इसके बाद पीड़ित युवक अपने साथ हुई मारपीट की लिखित शिकायत लेकर थाने पहुंच गया। इसके बाद उसने शिकायत देकर आरोपी आरक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। छोटी देवन दीक्षितपुरा निवासी जितेश यादव ने बताया कि वह सुबह 10 बजे कमानिया से फुआरा होते हुए अखाड़े जा रहा था, तभी फुआरा के पास उसे आरक्षक रंजीत यादव ने रोक लिया और गाली गलौज करने लगा। जब उसने उसे ऐसा करने से मना किया तो आरक्षक ने डंडे से उसकी पिटाई कर दी। वहीं पीड़ित युवक का कहना है कि ना तो उसका कभी आरक्षक रंजीत यादव से कोई वाद विवाद हुआ है, ना कोई बात थी, आरक्षक ने बिना किसी बात के उसके साथ मारपीट कर दी है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बगुड़ा को जैसे ही मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने सख्त कदम उठाते हुए तत्काल मारपीट करने वाले आरक्षक विजय यादव को थाने से हटाकर लाइन में अटैच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बगुड़ा ने अधिकारियों के इस पूरे मामले की जानकारी लेकर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इस कर्मी द्वारा मारपीट का मामला आया था, आपने लाइन हाजिर किया है। जी, आरक्षक है थाना कोतवाली में, उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टिया ये कुछ तथ्य आया था सामने, उन्होंने मारपीट की और इसी तारतम्य में उनको जो है लाइन अटैच किया गया। पूरा मामला ये है, मैं दीक्षितपुरा निवासी जिले से, मैं अखाड़े जा रहा था, इसी बीच कमानिए के आगे बढ़ते समय कॉन्स्टेबल कोतवाली रंजीत यादव आए, मुझे रोका, गाली बकने लगे, कहने लगे मैंने क्या बात भैया, उन्होंने बस कोई बात नहीं चीज की, रोके उन्होंने मारना फिर चालू कर दी, जिसका मैंने उनसे विरोध किया भैया किस चीज़ के लिए आप मेरे से मारपीट कर रहे हैं, उन्होंने विरोध के लिए मना बता दें मना कर दिया और फिर कहने लगे दी तूने मुझे शिकायत की थाने में तो मैं तेरे जान से मार लूँगा। आपने मामले की शिकायत कहाँ की? मैंने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की है, आवेदन दिया जिसके आवेदन के थ्रू मैंने FIR की मांग की है, पर FIR अभी तक नहीं हुई, जिसके लिए मैं SP कार्यालय आया हूँ। शुभ नाम आपका क्या? जितेश यादव जी। कहाँ रहते हैं? दीक्षितपुरा छोटी देवी के सामने।